इधर मिल गया एमएसके सर का एक ऑटोग्राफ अपना एमएसके सर के। वेलकम गाइस टू ए न्यू ब्लॉग। सो गेस करो आज हम कहाँ आने मतलब आए हैं। थोड़ा सा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं, चलते हैं आपको मिलाते हैं जिसके मतलब आज एक मीटअप है और उनके साथ मिलाते हैं। और ये रहा अपना जो बाइक। और गाइस आज का जो मीटअप था मेरे को मतलब शेड्यूल ऐसा किया गया था कि मेरे को टोटली मालूम ही नहीं था कब था। थोड़ा सा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला कहीं से और मैं अभी छूट आया हूँ उनसे मिलने, तो चलते हैं डायरेक्ट और मिलते हैं उनसे। इट इज़ एंड गाइस, सो आज हम मिलने वाले हैं एमएसके सर से। और एमएसके सर को मिलने के लिए मैं इतना दूर से अभी बाइक पकड़ के क्लास ख़त्म करके आया हूँ। और ये जो रेसिडेंसी है भाई भोपाल है, सबसे अच्छा लग रहा है ये वाला रेसिडेंस मेरे को, जितना भी अभी मीटअप हो गया। और अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो मुझे लगता है गाइस कुछ ऐसे ही स्टार्टअप हो गया, आगे चलते हैं देखते हैं क्या है। करनी हो तो तुम्हारी चाहत तुम्हारा ड्रीम को जरूरत बनाओ और उसको उसी तरीके से काम करो, रास्ते अपने आप आ जाएंगे। मुझे नहीं पता था कि जब मैं कोई भी काम नहीं, जैसे वेटर का काम या कुछ भी काम में करता रहूं, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूबर बनूंगा। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे आगे चल के नहीं पता कि मैं आगे चल के क्या करूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ जिंदगी में चीजें हैं वो पूरी करनी है। देखो एक सिंपल सा फंडा है, मैं ना नहीं पता कि अंदर अगर कोई गली गली से जाएंगे तो क्या होगा, बट अवॉइड करो मतलब अंदर से नहीं जाने के लिए। और अपने मतलब कोई जीपीएस लगा लो बाइक पे या यू नो कहीं पे भी, ताकि अगर कोई बाइक वाइक लेके जाए तो आपको पता चल जाए। तो अवॉइड करो रात को, अगर सोलो ट्रैवल करो तो रात को फिर अवॉइड ही करो, है ना। तो ये सब छोटे छोटे प्रिकॉशन है, है ना। चलो एक एक आखिरी क्वेश्चन। जस्ट आपसे एक चीज पूछनी है, मेरा नाम वसीम है, तो मैं आपसे ये चीज पूछना चाहता हूँ कि सर आप भुवनेश्वर आ गए, कटक कब आ रहे हैं, उड़ीसा का स्पेशल दही बड़ा खाने को। कटती है तो सर ये क्वेश्चन तो बनता है यार। आएंगे लेकिन अभी जो है ना, मैं सच बता रहा हूँ, हमारा जो ट्रिप है ना, हमें हमको ना ये ट्रिप ऐसे करना पड़ेगा ऐसे, तभी जाके ये पूरा हो पाएगा। हमने बहुत बड़ा पंगा लिया है जिंदगी में 40 दिन उसको साइड कंप्लीट करने का। वो मैप पे देखने में अच्छा लगता है लेकिन एक जगह से दूसरे जगह जाने में कमर दुखता है, सब कुछ होता है यार, पूरा दिन 10-10 घंटा ड्राइव करके। तो हमें पहले एक इसको कंप्लीट करते हैं उसके बाद सारा काम करेंगे। अभी अगर बीच में कुछ आ गया तो फिर वापस भागना पड़ेगा, तो इसीलिए कि तुम उसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 5-6 साल पहले बाइक का ब्लॉग्स हमने देखा था एंड आजकल तो मतलब यूट्यूब इज लाइक ओके। अभी एक्चुअली लास्ट मंथ UK07 ही केम डाउन एंड वी ऑर्गेनाइज अ मीटअप फॉर हिम एज़ वेल, बट वो बहुत ज्यादा क्योटिक है सब कुछ बात में, बट द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट अबाउट यू इज दैट यू आर टॉकिंग, बहुत अच्छी बात। अगर 100 है 100 में से किन के एक दो होंगे जो एक्चुअली बात कर रहे हैं, बिकॉज इट्स हाईली इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदा आपको प्यार करता है उतना है, बट लिसनिंग टू द पर्सन हु यू एडोर सो मच बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स हाईली अप्रोचेबल। I respect you for that. And secondly, बीच में हमारा बात हो रहा था editing को लेकर, quality and quantity. I personally am a fan of quality. मतलब fantastic vlogs. पहले के जो vlogs थे वो मतलब lately तो हम भी इतने काम occupied हो गए कि YouTube कहाँ कहाँ छोड़ दिया, मतलब बोला चलाता है but और YouTube देखते नहीं है इतना ज़्यादा. But your vlogs are like one of the you know benchmark. मैं भी वही करता हूँ यार, मेरा नया वाला एमएसके
पुराने वाले एमएस के वीडियो देख लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा था। जगह कैसा है, घूमना है, दिखाना है? तो स्लोली हम लोग नहीं है, हम लोग जो मेन यूट्यूब ब्लॉगर है मिस्टर स्पीड, वो आए नहीं है, ही डज ऑल दी वीडियो। तो मतलब राइडिंग कल्चर एवरीथिंग यहाँ पर बहुत अभी उड़ीसा में बहुत ही अभी लेवल डेवलप करके जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम आपका जैसा वहाँ पर मुंबई हो गया, बैंगलोर, बड़े बड़े सिटीज में, तो वी आर ऑल्सो इवॉल्विंग एंड वी नो दैट एवरीबडी ओवर हियर बोले कि आपको रोक के एक बात बोलना चाहूंगा। कल ही हम लोग ना बात कर रहे थे कि जब यूट्यूब शुरू हुआ था तब ब्लॉगर जो थे मुंबई से थे और दिल्ली से थे और कहीं से भी देखने को नहीं मिलते थे, और फिर धीरे धीरे जब ब्लॉगिंग कल्चर आगे बढ़ा तो हर जगह से ब्लॉग लोग करने लगे, और अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा जो व्यूज जाता है जिस स्टेट वो है उत्तराखंड, सौरभ जोशी और यूके 07 का। तो उत्तराखंड में अभी ज्यादा व्यूज जा रहे हैं, बट बिकॉज वी आर एक्चुअली लेट इन द गेम, तो वर्जिनिटी वाला इफेक्ट है अभी। एक्चुअली क्या हो रहा है कि कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं होता जो ब्रेक नहीं कर सकता, देयर इज ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप। तो जो भी अभी रिकॉर्ड्स बने हैं, जो भी ब्लॉगर्स या जो भी कर रहे हैं, वो टूटने हैं। जब मैं था तो कुछ लोग थे, फिर मैंने रिकॉर्ड तोड़े, फिर मेरा रिकॉर्ड तोड़ा गया, फिर उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ा गया, तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे रिकॉर्ड टूटते हैं, तभी तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगा ना। आप लोगों को भी बोल रही हूँ, आप उड़ीसा के, क्योंकि आप उड़ीसा के हो, आप उड़ीसा के जो कल वो आगे बढ़ाइए आपके माध्यम से, भैया को एग्जाम्पल रख के, इंस्पिरेशन रख के आप भी ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। इधर मिल गया एमएस के सर का एक ऑटोग्राफ, बहुत ही अच्छा है, सही है, और एक फोटो थंबनेल के लिए खींचेंगे, देखते हैं। तो मीटअप इज अबाउट टू एंड और फोटो वगैरह हम खींच लिए, और आप इसको मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, जाके मेरे को फॉलो कर नहीं किए तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। और एमएस के भैया मेरे को एक बार अवॉर्ड बोले जब मैं हेलमेट ले लिया था कि अच्छा है हेलमेट, और वो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है लेकिन बोले अच्छे से गाड़ी राइड करना, बोलते हैं कि आप कोई मतलब राइडिंग वगैरह करते हैं कि नहीं, बोला कि हाँ, तो बोलते हैं सही से करना, बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब दिल से बहुत अच्छे इंसान है एमएस के भैया। इतना उम्मीद नहीं था कि आज मिल पाएंगे इतना करीब से, लेकिन भाई जो मतलब क्या फटे दोस्तों, लाइनअप देख सकते हो, ये है अपना आवरण 5M, उसके बिल्कुल ही बगल में है ये स्ट्रीट ट्रिपल ट्रायम का, और ये है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर भाई। इसका अगर मतलब क्या बात किया जाए भाई, एग्जॉस्ट सिस्टम जो लगाए हैं ना सोनू पाजी ने भाई, गजब का, तो देख ही लिए कैसे मतलब साउंड कर रहा है। लीगल की इलीगल आप कमेंट करके बताना, इतना बड़ा होल जो देख सकते हैं, कितना बड़ा पूरा शॉर्ट कैन भाई। सो दोस्तों टाइम टू एंड दिस ब्लॉग, और आज मैं इतना स्लो इसलिए बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा सर्दी जुकाम की वजह से अभी ब्लॉग भी नहीं कंटिन्यू आ पा रहा है, मैं इसको एडिट करके 2-3 दिन में डाल ही दूंगा, और चलते हैं और मिलते हैं एक नया समस्या वीडियो के साथ।
और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।